दोस्तों, जैसा कि आप टीवी इंडस्ट्री के टीवी सीरियल्स में देखते ही हैं कि कैसे उनमें काम करने वाली अभिनेत्रियां अपने को एक्टर्स के साथ एक अच्छी हाउसवाइफ का कर्तव्य निभाती हैं, जहां पर वो अपने पति की सारी बातें मानते हुए उनके साथ बहुत खुश रहती हैं, दुख दुख की घड़ी में भी वो अपने पति का आंगन नहीं छोड़ती और इन सब चीजों की वजह से ही ये दर्शकों की फेवरेट बन गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाली बहुत सारी अभिनेत्रियां आज शादीशुदा होते हुए टीवी सीरियल्स में काम करती हैं, जहां वो अपने रियल लाइफ पार्टनर के साथ भी असल जिंदगी में भी बहुत ज्यादा खुश है, जिसकी चमक उनके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती है। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों से मिलवाने जा रही हैं, जो असल जिंदगी में शादी करके अपने पतियों के साथ बेहद खुश हैं। तो चलिए एक एक करके रूबरू होते हैं उन अभिनेत्रियों से। नंबर वन, नेहा मर्दा। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है एक्ट्रेस नेहा मर्दा का, जो शादीशुदा होने के बावजूद भी छोटे पर्दे पर खूब लाइमलाइट बटोर रही हैं। लेकिन शादी करने के बावजूद ये अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रही हैं, क्योंकि इनके पति इन्हें अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं, जिसके चलते ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी खुश रहती हैं और पर्सनल लाइफ में भी खुश रहती हैं। नंबर टू, अनीता हसनंदानी। अभी कुछ समय पहले ही एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने अपने पहले बेबी को जन्म दिया है, जिसके साथ ये बहुत ज्यादा खुश हैं। जी हाँ, ये अपने पति और अपने बच्चों के साथ अपने पर्सनल लाइफ में खूब मस्ती मजाक करते हुए काफी अच्छा टाइम गुजार रही हैं। नंबर थ्री, दीपिका सिंह। एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने जब से डायरेक्टर राज गोयल के साथ शादी की है, तब से ये आसमान में उड़ रही हैं। कहने का मतलब है कि आज अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटमेंट से भरी हुई हैं। नंबर फोर, दृष्टि धामी। कभी मधुबाला बनकर सबकी रातों की नींद चुराने वाली एक्ट्रेस दृष्टि धामी आज लाइमलाइट की दुनिया से दूर होकर अपने लवी डवी हस्बैंड नीरज खेमका के साथ अपने पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हैं, जहां ये आज अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हैं। नंबर फाइव, सनाया ईरानी। टीवी इंडस्ट्री में अगर कोई खूबसूरत अभिनेत्री हैं जो अपने पति के साथ निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हैं, तो वो है एक्ट्रेस सनाया ईरानी, जो अपने पति मोहित सहगल के साथ काफी सुकून भरी जिंदगी जी रही हैं। तभी तो ये अब टीवी सीरियल में दिखाई नहीं देती, क्योंकि अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पति के साथ ही क्वालिटी टाइम एंजॉय करके खुश रहना है। नंबर सिक्स, कृतिका सिंगर। जी हाँ, इस लिस्ट में एक्ट्रेस कृतिका सेंगर का भी नाम शुमार होता है, जो शादी के 7 साल बाद भी अपने पति निकेतन धीर के साथ मौज मस्ती वाली जिंदगी जी रही हैं, क्योंकि अभी भी अपने हनीमून फेज को एंजॉय करते हुए अपने पति के साथ काफी खुश हैं। नंबर सेवन, दीपिका कक्कड़। जैसा कि आपको पता ही है कि एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ टीवी इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस हैं जिनके पति और जिनके ससुराल वाले इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जो हमेशा इनका अच्छा खासा ख्याल भी रखते हैं, जिसके चलते दीपिका को किसी भी सिरदर्द और कलेश में गुजर नहीं पड़ता। नंबर एट, रुबीना दिलेक। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि बला की खूबसूरत एक्ट्रेस रुबीना दिलैक अपने पति अभिनव शुक्ला से कितना प्यार मोहब्बत करती हैं, क्योंकि इनके पति हैं ही इतने ज्यादा लविंग केयरिंग कि वो हमेशा रुबीना को अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं। नंबर नाइन, दिव्यांका त्रिपाठी। चट मंगनी पट ब्याह करने वाली एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने जब से विवेक दहिया के साथ साथ फेरे लिए हैं, तब से ये अपने आप को दुनिया की सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की समझती हैं, जिनके साथ विवेक जैसा स्मार्ट और समझदार हस्बैंड है, जो इन्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है, इनकी सारी बातों को मानता है, इन्हें ढेर सारा लव केयर अटेंशन भी देता है, और इसलिए दिव्यांका आज अपने पति के साथ अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है। नंबर टेन, राधिका मधुकुमार।
राधिका मधु कुमार भले ही सीरियल ससुराल सिमर का सीजन 2 में अपने एक्टिंग का जलवा बिखेर रही हो, मगर ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफी ज्यादा खुश हैं, जहां ये अपने पति अभिषेक अय्यर के साथ अच्छा खासा फन टाइम भी इंजॉय कर रही हैं और इसके हस्बैंड भी इनके प्रोफेशनल लाइफ को सपोर्ट करते हुए इन्हें हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। दोस्तों, इन सभी शादीशुदा अभिनेत्रियों में से आपकी पसंदीदा अभिनेत्री कौन सी है, आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसे और भी मजेदार वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।